कानून व्यवस्था दिन के दिन बदतर होती जा रही है। जनपद में आए दिन लूट व हत्याओं की घटना सामने आ रही है। कानून व्यवस्था की सुधार के लिए आज जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र नाथ तिवारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में कोच कोतवाली में सारी व्यवस्था ठीक ठाक पाई गई तथा सभी अभिलेख भी चेक किए गए। उन्होंने मीडिया को बताया, हमारा उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित पुलिस के पास आता है उसे हर संभव न्याय मिले। अगर थाने स्तर पर पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं सुनता है तो वह मुझसे या एसपी साहब से शिकायत दर्ज करा सकता है। शासन के निर्देशानुसार जनपद को निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाली जगह पर पुलिस नियमित पैदल नहीं, अभी खामियां नहीं देखा गया है। ईद त्योहार के मद्देनजर आज मैं आया था और अभी जा रहा हूँ वहाँ पर जो आपका ईदगाह है वहाँ पर भी उसका निरीक्षण करूँगा, देखूंगा वहाँ व्यवस्थाएं सब ठीक है कि नहीं है। पुलिस बल हमारा जो लगा है, जो मिला है इनको या जो थाने पर है उसकी उचित ड्यूटियाँ लगें, ये इसको निर्देश दिया गया है। और पूछा गया कोई किसी तरह की समस्या हो तो अभी तक कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई है और सही ड्यूटियाँ लगा करके अच्छी तरह से ईद को संपन्न कराया जाएगा। तो सर, अगर जैसे कोई पीड़ित कोतवाली आता है तो उसको न्याय के लिए क्या प्राथमिकता है? बिल्कुल उसकी बात सुनी जाएगी, अगर वो सही कह रहा है तो उसकी कार्रवाई कराई जाएगी, जो वैधानिक कार्रवाई है वो सारी कराई जाएगी उसकी। अगर उसके बाद उसको कोई दिक्कत होती है तो हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। टीवी 100 के लिए पंकज कुमार पटेल की रिपोर्ट।